भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन जगदीशपुर पहुंचे। उन्होंने खेतों में लगे कतरनी धान का क्रॉप कटिंग किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने खेती के लिए सिंचाईकरण होने वाली परेशानियों को जिलाधिकारी के समक्ष रखते हुए चांदन नदी से खेतों तक पानी नहीं पहुंचने की बात बताई। जबकि चांदन नदी के पानी से ही जिस खेत में सिंचाई की जाती है वहीं कतरनी धान की खुशबू होती है। इस पर उन्होंने कहा कि चांदन नदी के चेक डैम बनाने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा एवं चांदन नदी से जो डाल निकलकर खेतों तक पहुंचती है उसकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार को लेकर मनरेगा के पीओ को शीघ्र कार्य करने का आदेश दिया गया है। तो आप लोग जान रहे हैं कि सूखे जैसी स्थिति रही है और विभिन्न पंचायतों को जो सूखाग्रस्त डिक्लेयर भी किया गया है। प्रति परिवार 3500 रुपये की दर से राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त डीजल अनुदान भी जो है वो लोगों को काफ़ी संख्या में दिया गया है। हम लोगों का प्रयास है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निश्चय है कि हर खेत तक पानी पहुंचे और इसके लिए अगले 2-3 साल में बहुत तेज़ गति से काम होने वाला है और इससे फसल की उत्पादकता भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ किसानों को भी बहुत जो है ये फ़ायदा पहुंचाएगा। तो इस बार तो है जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस बार उत्पादकता कम है। जो फसल कटनी के प्रयोग से जो आंकड़े आएंगे उसके आधार पर आगे नीति बनाने में, और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट लाभ है वो है फसल सहायता योजना, जिसमें उत्पादकता घटने पर सहकारिता विभाग से इमीडिएट लाभ जो है वो अगले 3 से 6 महीने में किसानों को मिलता है। उसमें किसान आवेदन करते हैं पोर्टल पर सहकारिता विभाग के, और इसके आधार पर कई अन्य जो है पॉलिसी लेवल के डिसीजन भी होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा है और इसका आंकड़ा जो है वो आप लोगों से हम लोग एक आध घंटे में शेयर कर देंगे कि क्या एवरेज उत्पादकता रही है। चूँकि भागलपुर कतरनी के लिए जाना जाता है तो मेरी ये इच्छा थी कि कतरनी का जहाँ उत्पादन हुआ है उसी खेत में फसल कटनी का प्रयोग जो है वो मेरे समक्ष हो, तो उसी में मेरी उपस्थिति रही है और इससे संबंधित आंकड़ों को हम लोग राज्य सरकार को शेयर करेंगे। और इस भागलपुर में लगातार बालू माफियाओं के द्वारा अवैध खनन कर अवैध रूप से बालू ढुलाई पर लगाम लगाए जाने को लेकर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर कुमार गौरव के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। डीएसपी के नेतृत्व में चलाए गए विशेष छापेमारी अभियान के द्वारा तड़के जगदीशपुर कजरेली और बायपास थाना क्षेत्र से अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर सहित 4 चालक को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी अभियान से बालू माफियाओं के बीच हड़कंप का माहौल देखा जा रहा है। हम आपको बता दें, लगातार डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर बालू के अवैध खनन और अवैध रूप से बालू ढुलाई पर लगाम लगाए जाने को लेकर कार्रवाई की जा रही है। छपरा में जहरीली शराब से 50 से अधिक मौतों के बाद भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे। शहर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के पास घायल अवस्था में एक शराबी आम लोगों को मिला, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शराब के नशे में चूर घायल व्यक्ति को उठाकर इलाज के लिए अस्पताल ले गई। वहीं शराब के नशे में चूर व्यक्ति ने बताया कि वो शराब पिए हुए हैं और वो कृषि विभाग का कर्मचारी है। छपरा सहित अन्य कई जिलों में जहरीली शराब से मौत के बावजूद भी लोग शराब का सेवन कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि सरकार के द्वारा शराबबंदी को लेकर जहां उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार अभियान भी चलाया जा रहा है, इसके बावजूद लोग सड़क पर अभी भी शराब के नशे में मिल रहे हैं, वहीं शराबबंदी पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा टीएनबी कॉलेज के प्राचार्य संजय चौधरी के 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाने के बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें फिर से एक्सटेंशन देने को लेकर की जा रहे कवायद के विरोध में छात्र राजद के द्वारा लगातार आंदोलन का दौर जारी है। इसी को लेकर टीएनबी कॉलेज से विश्वविद्यालय तक छात्र राजद के द्वारा विरोध मार्च निकाला गया, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन और टीएनबी कॉलेज के प्राचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। छात्रों का कहना है कि संजय चौधरी पर पहले भी कई वित्तीय अनियमितता के आरोप लग चुके हैं और जांच में वो सही भी पाए गए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा उन्हें क्लीन चिट देने की कवायद के तहत उन्हें एक बार फिर से एक्सटेंशन देकर प्रचार बनाने की कवायद चल रही है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि 5 साल पूरे हो जाने के बाद भी उन्हें पद से नहीं हटाया गया, अगर जल्द उन्हें नहीं हटाया जाता तो छात्र राजद जोरदार आंदोलन करेगा। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगटी 4 लाइन के समीप पिकअप वैन एवं मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर होने पर मोटरसाइकिल सवार 2 लोग घायल हुए। घायल युवक के दोस्तों ने बताया कि मोटरसाइकिल से नारायणपुर से कटहरा की ओर जा रहे थे, तभी पिकअप वैन से जबरदस्त ठोकर मारने पर मोटरसाइकिल चालक दीनदयाल कुमार तिरोविंद साकिन आसिया चक एवं मोटरसाइकिल पर सवार हरदेविंद साकिन हरिनगर भागलपुर जिले के रहने वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर ने गंभीर स्थिति देखते हुए उन्हें भागलपुर मायागंज रेफर कर दिया। वहीं पुलिस पूरी घटना को लेकर छानबीन में जुट गई है।
भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेश चौक के समीप तेज गति से आ रहे अनाज लदे एक पिकअप वैन से एक वृद्ध की कुचलने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों ने घंटों सड़क जाम किया। घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस एवं सीओ शंभूशरण राय व महेशी के मुखिया पहुंचकर परिजनों को मुआवजा की बात कही, जिसके बाद सड़क जाम को हटवाया गया। परिजनों ने बताया कि पिकअप वैन तेज गति से सुल्तानगंज से भागलपुर की ओर जा रही थी। उसी समय रामचंद्र मंडल रोड क्रॉस कर रहा था, जिस दौरान वो पिकअप वैन की चपेट में आ गई और 65 वर्षीय रामचंद्र मंडल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सीओ शंभूशरण राय एवं स्थानीय पुलिस के पहुंचने पर मुआवजा की बात कही गई, जिसके बाद सड़क जाम को हटाया गया। वहीं पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दी है। 18 दिसंबर को भागलपुर की सुल्तानगंज नगर परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है, जिसको लेकर डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सर्किल इंस्पेक्टर तनलाल ठाकुर, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार, बजरा दल के प्रभारी सूरज कुमार ने अब्जुगंज शहाबाद चौक सहित अन्य वार्ड में फ्लैग मार्च निकालते हुए भयमुक्त मतदान करने की लोगों से अपील की। डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि 18 दिसंबर को नगर निकाय का मतदान होना है, जिसके लिए नगर परिषद सुल्तानगंज में 64 बूथ बनाए गए हैं। संवेदनशील एवं अति संवेदनशील बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। साथ ही कहा कि सभी मतदाता भयमुक्त होकर मतदान करें, किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो सूचना दे ताकि कार्रवाई हो सके। फ्लैग मार्च के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शामिल हुए, अपना वोटिंग डाले यहाँ पे, और प्रशासन जो है पूरा चुस्त है, दुरुस्त है, और अतिरिक्त बल मजिस्ट्रेट हर एक बूथ पे है, सेक्टर में है, 28 सेक्टर जो है सुल्तानगंज को बांटा गया है, और निर्वाचन आयोग का जो भी दिशा निर्देश सब जो है पूरा कर लिया गया है, और भयमुक्त होकर सब चुनाव अपना योगदान दें, और कोई भी अगर उपद्रव करता है और कोई भी गैर कानूनी काम करता है तो प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। भागलपुर के पीरपैंती में संजीवनी गंगा मिशन और मीडिया ग्रुप पीरपैंती के संयुक्त तत्वाधान में नीम कॉरिडोर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर चंदन कुमार चक्रवर्ती, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी दीपशिखा कुमारी, कार्यक्रम प्रभारी अरविंद शाह, कार्यक्रम के अध्यक्ष घनश्याम दास ने संयुक्त रूप से पंछी को पिंजरे से आजाद कर किया। कार्यक्रम के तहत विद्यालय की दीवार पर पर्यावरण संरक्षण पेंटिंग में गणमान्य अतिथियों द्वारा रंग भरा गया। साथ ही विद्यालय परिसर में कार्यक्रम को परिलक्षित कर नीम का पौधा लगाकर उसे संरक्षित रखने का संकल्प लिया गया। यह कार्यक्रम 14 फरवरी 2023 तक प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में क्रमवार चलेगा।